राजस्थान की राजनीति में उस समय सियासी बवाल एक बार फिर पनप गया जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का एक कथित बयान तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट से किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का समर्थन किया। दरअसल एक प्रतिष्ठित अखबार ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले भंवर जितेंद्र सिंह का इंटरव्यू दिखाया था, लेकिन अब जितेंद्र सिंह ने इस इंटरव्यू पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसका खंडन किया है और अखबार को इस तरह की गलत खबरें न फैलाने के लिए कहा है। भंवर जितेंद्र सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि मुझसे संबंधित एक न्यूज मेरे दिए गए इंटरव्यू के एक छोटे वीडियो सहित प्रकाशित की गई, जिसका शीर्षक भंवर जितेंद्र सिंह ने किया पायलट का समर्थन मेरे द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बिल्कुल विपरीत और बातों को हेर फेर करके रखने वाला था। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या कहा है भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने इंटरव्यू को लेकर। जैसा कि विदित है कि दिनांक 9/6/2021 को आपके अखबार के डिजिटल प्रारूप पर मुझसे संबंधित एक न्यूज मेरे दिए गए इंटरव्यू के एक छोटे वीडियो सहित प्रकाशित की गई, जिसका शीर्षक भंवर जितेंद्र सिंह ने किया पायलट का समर्थन मेरे द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बिल्कुल विपरीत तथा बातों को हेर फेर मैन्युपुलेट करके रखा गया है, जिसने एक अवांछित मुद्दे को जन्म दिया। जबकि मैंने मेरे इंटरव्यू के दौरान ऐसी कोई भी बात नहीं कही, ना ही मैंने किसी बात के समर्थन या असमर्थन का एहसास कराया। मैं कभी भी किसी गुटबाजी या व्यक्ति विशेष के प्रति टिप्पणी जैसी बातों का समर्थन नहीं करता हूं। केवल कांग्रेस पार्टी के हित व कांग्रेस पार्टी का सम्मान मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है और मेरे इंटरव्यू में भी उन्हीं बातों को प्राथमिकता दी गई है। आपकी इस खबर ने मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर रखने के कारण मेरी राजनीतिक छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसका मैं विरोध करता हूं। तथा आपसे एक जिम्मेदार अखबार होने के नाते जल्द से जल्द इस खबर के खंडन को प्रकाशित करने की पूर्ण उम्मीद करता हूं। धन्यवाद, सादर, जितेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, AICC महासचिव। भंवर जितेंद्र सिंह के इस बयान से साफ है कि वो सचिन पायलट के मसले में आलाकमान और अशोक गहलोत के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। वहीं सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि पायलट गुट की तरफ से दबाव बनाने के लिए इस तरह की भ्रमित करने वाले बयानों को वायरल करवाया जा रहा है। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह के खंडन ने पायलट गुट की आस को कुछ हद तक और दबा दिया है।